नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आईएएस की मुख्य परीक्षा में वर्ष 2013 में ये बदलाव हुआ कि एक सब्जेक्ट 250 नंबर का, जीएस का, जनरल स्टडीज का फोर्थ पार्ट आया, जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये चीज़ बहुत पहले आनी चाहिए थी। जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे, अब तो नौकरी कर रहे हैं, उस समय ये नहीं था। लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि जब आप फील्ड में पोस्टिंग आपकी हो जाती है तो इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा हम लोग फेस करते हैं, जो कि ट्रेनिंग के दौरान या पढ़ाई के दौरान सबसे लिस्ट बॉदर चीज हुआ करती थी। इसको कोई ध्यान नहीं देता था, और नौकरी में आने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत इस सब्जेक्ट की पड़ती है। तो और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मार्केट में आपको रिटर्न मटेरियल या कोई टेक्स्ट बुक प्रॉपर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ वहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़िया तैयारी हम जैसे लोग करा सकते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग भारतीय सिविल सेवा में आज से 20 साल पहले सेलेक्ट हुए और नौकरी कर रहे हैं, और साथ ही इन सब चीजों से रात दिन जूझ रहे हैं। तो ये इम्पेरिकल स्टडीज है, इम्पेरिकल ज्ञान है, जिसके जिसके लिए हम जैसे व्यक्ति जो है सबसे उपयुक्त तो होगा बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स का मतलब आप खूब जानते हैं, एथिक्स सेट ऑफ बिहेवियर, डूइंग राइट और रॉन्ग। बहुत बड़ा इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल चीज है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको जानना और उसके हिसाब से काम करना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप ऐसे चीजों को जो आपकी जानकारी में आती है और आप जानबूझ करके या अनजाने में कुछ गलत कर देते हैं, तो एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग बाई एनी मीन्स, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, जिससे आपकी जो ईमानदारी, जिससे आपकी जो है कैरेक्टर पे उंगली उठता है, दैट इज सत्यनिष्ठा। हिंदी में सत्यनिष्ठा, और वैसे इंटीग्रिटी द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रांग मॉरल परस्पेक्टिव्स। अ स्ट्रांग मॉरल परस्पेक्टिव अगर आपके पास नहीं है और वो क्वालिटी नहीं है जिससे आपको ईमानदार होने का परिचय देना पड़ रहा हो, अगर वो नहीं है तो आपकी सत्यनिष्ठा डाउट में है। और जब आप नौकरी में आएंगे तो आपका जो एनुअल अप्रेजल होता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होता है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का, जिसके बारे में अगर बियॉन्ड डाउट के बजाय कुछ और लिख दिया तो आपके सारे प्रमोशन, सारी डेपुटेशन और सारी पोस्टिंग के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसीलिए सत्यनिष्ठा जो है ये ईमानदार होने का एक परिचायक है और आपके द्वारा परफॉर्म किए जाने का एक मोरल, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज को कन्विक्ट करने का, आत्मसात करने का कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा टर्म है इसमें एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब जो है कुछ बहुत खास नहीं है, सिंपल सा है, आपका स्ट्रॉन्गनेस, आपके काम करने की क्षमता, आपका रिलायबिलिटी, आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, आपके काम के प्रति नजरिया, आपके काम के प्रति दृष्टिकोण, ये है आपका एप्टीट्यूड। तो जब हम ये तीन चीज़ों को देखते हैं तब समझ में आता है कि व्यवहारिक जीवन में हमें जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की नौकरी में जरूरत पड़ती है, वो है एथिक्स, मोरल्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड्स। ये सारी बातें जो है आपके जीवन में नौकरी के दौरान कहीं ना कहीं आती है। तो एथिक्स और मोरल का जो फर्क हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये एथिक्स है और इसमें ये है आपका मोरल्स। ये एथिक्स है, ये मोरल मोरल्स है, इसमें कॉमननेस है ये चीज। और ये चीज क्या है कि डूइंग राइट और रॉन्ग, बाकी चीजें डिफ्रेंशिएट की गई है, लेकिन इसमें कॉमन दोनों में एक ही चीज है कि सही और गलत करना। तो इसके अलावा थोड़ा सा फर्क है, ये जो है यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। ये ग्रुप और छोटे सोसाइटी और लघु
समूह के लिए अलग अलग मायने और अर्थ लिए रहता है। तो ये बहुत चक्कर मत पड़िएगा। एथिक्स जो है प्रोफेशनल यूज में ज्यादातर, बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेड वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, और ये जो है कल्चरल एस्पेक्ट में होता है। तो ये फर्क बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बीच जो कॉमननेस है वो है डूइंग राइट और रॉन्ग। इसका जजमेंट करना आपका एथिक्स और मोरल्स के बीच के फर्क को दिखाता है, और कॉमननेस जो हमने बताया वो है। इसके बारे में अभी हम यहीं पे विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चंस को उठाते हैं जिसके जिसके सॉल्व के लिए, जिसके सॉल्यूशन के लिए आपको जरूरत हमें पड़ेगी, हमारी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।